फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेल्स। तो सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल के जो टाइप्स हैं इनके बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, जो सेल होती हैं वो डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं। डिफरेंट टाइप की सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। ईच टाइप ऑफ सेल्स हैज़ अ शेप एंड साइज रिलेटेड टू इट्स ऑन वाइटल टास्क इन योर बॉडी। मीन्स फ्रेंड्स, हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं एंड अबाउट 200 डिफरेंट टाइप्स की सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। इन अलग अलग जो प्रकार की सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, इनका अलग अलग शेप होता है, अलग अलग साइज होता है एंड खुद का इनका अलग अलग वर्क होता है। हमारी बॉडी में डिफरेंट सेल्स का अलग अलग खुद का वर्क होता है। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं रेड ब्लड सेल्स एंड नर्व सेल के बारे में। सो रेड ब्लड सेल्स एंड नर्व सेल के बारे में जानते हैं। सो फ्रेंड्स, जो रेड ब्लड सेल होती है ये डोनट शेप की होती है एंड फ्रेंड्स ये डोनट शेप का होता है रेड ब्लड सेल्स एंड ये ऑक्सीजन को ईजिली कैरी करता है। मीन्स जो हमारी रेड ब्लड सेल है आसानी से ऑक्सीजन को कैरी कर लेती है। एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारी नर्व सेल होती है ये लॉन्ग होती है, थिन होती है एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कैरी करती है एंड लॉन्ग डिस्टेंस तक ये पहुँचाती है। फ्रेंड्स, जो नर्व सेल है इनका मेन वर्क क्या होता है, ये जो भी इंफॉर्मेशन होती है ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू ये इंफॉर्मेशन को उस बॉडी ऑफ द पार्ट तक पहुँचाती हैं जहाँ पे रिस्पॉन्स होना है। सो फ्रेंड्स, लॉन्ग होती है, थिन होती है नर्व सेल। सो नेक्स्ट देखते हैं हम मसल सेल एंड एपिडर्मल सेल के बारे में। सो फ्रेंड्स, जो मसल सेल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, रिलैक्स हो सकती है, यानी कि जो हमारी मसल्स बनाती है यानी कि जिससे हमारी बॉडी में मसल्स बनती है वो मसल सेल होती है एंड जिस मसल सेल की वजह से ही हमारी बॉडी जो है मूवमेंट कर पाती है, हम मूवमेंट कर पाते हैं। एंड फ्रेंड्स, जो मसल सेल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, मीन्स शॉर्ट हो सकती है, रिलैक्स होती है, मीन्स डिलेट हो सकती है, होती है जिसके जरिए क्या करते हैं हमारी बॉडी मूवमेंट कर पाती है। किसकी वजह से? मसल सेल की वजह से। नेक्स्ट हमारी जो सेल है एपिडर्मल सेल। सो एपिडर्मल सेल्स जो होती है फिट होती है टाइटली टुगेदर एंड प्रोटेक्टिव लेयर होती है। मीन्स जो हमारी फ्रेंड्स एपिडर्मल सेल होती है ये टुगेदर मतलब एपिडर्मल सेल्स जो हैं बहुत सेल्स मिलकर के हमारी स्किन बनाती हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर जिससे हमारी स्किन बनी हुई होती है वो एपिडर्मल सेल्स होती हैं। एंड फ्रेंड, नेक्स्ट जो हमारी है फैट सेल। सो फैट सेल का वर्क क्या होता है, इसमें लिक्विड फिल होता है फैट सेल में एंड ये फैट सेल जो है वो एनर्जी को स्टोर करता है। एंड नेक्स्ट जो हमारी कोन सेल्स होती है, सो कोन सेल्स जो है वो लाइट को डिटेक्ट करती है, मीन्स कितना अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आई में जाना चाहिए, कितना अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आई में जाना चाहिए वो ये डिटेक्ट करती है कोन सेल। सो कौन सेल की वजह से हमारी जो लाइट है लाइट का अमाउंट हमारी आई तक सही से पहुंच पाता है और हम इनेबल होते हैं देखने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।